नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आरके ग्लोबल एक्सपोर्ट का यूट्यूब चैनल पर। फिर से हाजिर एक नया वीडियो नई जानकारी के साथ। सो दोस्तों, आज संडे है और जो हमारा जो नासिक एरिया का जो मंडिया है, मैक्सिमम मंडिया आज बंद है, तो संडे में सब तो बंद ही रहता है। तो आज हम एक्चुअली स्पेशली मैं इस वीडियो में बात करने वाला ऑनियन एक्सपोर्ट लेके। तो ऑनियन एक्सपोर्ट लेके अभी बहुत सारा न्यूज़ ऐसा आ रहा है जो जो लेके एक्चुअली हमारा किसान जो भाई है उनका मन में बहुत सारा डाउट है एग्जैक्टली ये न्यूज़ क्या है। मतलब आगे जाके जो ओवरऑल प्याज का जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है एक्सपोर्ट में, क्या सिचुएशन है, ये लेके बहुत सारा मतलब कन्फ्यूशन है हमारा किसान भाई का मन में। जो कुछ न्यूज़ भी आ रहा है, कल भी कुछ न्यूज़ आ रहा है, जो जापान और US मिला के जो आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ बात ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है इसका बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या चल रहा है, मतलब ये जो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो बात आता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्सपोर्ट बंद करना हमारा जो इंडियन जो गवर्नमेंट है विदाउट जानकारी का, बिना जानकारी में, ठीक है, बिना नोटिस में जो हमारा गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट बंद कर दे रहा है, इसके लिए WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ नोटिस दिया था और कुछ मीटिंग भी चल रहा है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है वो बताने के लिए। तो एक्चुअल क्या है इसका पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आपका जो ये एक आर्टिकल है, मैं ये आर्टिकल का पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। जो इसमें जो लिखा है, जो आपका जापान और जो USA है, जापान और यूएसए WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्होंने मेंबर है, और इन्होंने ही मेनली एक्चुअली जापान और USA मिला के ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन जो मतलब इन्होंने ही इसको मेंटेन करता है। और अगर मतलब कोई भी एक्शन लेना है तो सबसे पहले US लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये जो रीज़न आता है, जो लास्ट साल सितंबर में हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट जो मतलब एक्सपोर्ट बंद कर दिया विदाउट नोटिस में, वही जो जापान और जो USA जो पूछ रहा है हमारा इंडियन गवर्नमेंट को, जो पूछ रहा है जो विदाउट इन्फॉर्म मतलब विदाउट नोटिस में आप लोग क्यों एक्सपोर्ट बंद किया, यही पूछ रहा है। मतलब ये नहीं जो जापान और US में हमारे इंडिया से ऑनियन एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप समझ लीजिए ये, ठीक है। ये बात मैं आपको पूरा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो ऐसा नहीं बोल रहे जो जापान और USA में हमारा इंडिया से ऑनियन जा रहा है वो बंद कर दिया हमारा गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। हमारा इंडिया से जापान और USA में ऑनियन एक्सपोर्ट नहीं होता है। हमारा इंडिया से ऑनियन कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका में होता है, दुबई में होता है, ठीक है, मलेशिया में होता है। ये जो चार कंट्री है, किधर, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका और आपका दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो ये चार कंट्री हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया से सबसे ज़्यादा ऑनियन एक्सपोर्ट होता है इस कंट्री में। ये हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑनियन हमारा इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। और इस जो कंट्री है, ये कंट्री भी WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, ये चार कंट्री भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर। तो जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक सिस्टम में चलता है, मतलब जो सिस्टम में आपको जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इसका, इस रूल्स एंड रेगुलेशन का हिसाब से आपको बिजनेस करना है। जब भी आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जब इंटरनेशनली आप कोई भी बिजनेस करोगे तो तब भी एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब क्या है, दो आदमी के बीच में बिजनेस नहीं होता, ये दो कंट्री के अंदर में बिजनेस होता है। मतलब मान के चलिए आप इधर से कुछ भी प्रोडक्ट, आप कोई भी एक कंट्री का बायर के साथ आप डील कर लिया, आप उनको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, दैट इज नॉट लाइक दैट। आप ये जो बिजनेस होता है ये दो कंट्री के बीच में हो रहा है, ठीक है, ये हमारा इंडियन और जो कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे उस कंट्री के साथ होता है, ये सिर्फ दो बंदा का बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है। तो जब भी आप अगर कोई भी चीज़ मेनली जो एसेंशियल गुड्स होता है, जी ऑनियन जो होता है ये डेली यूजेबल चीज़, ये एसेंशियल गुड्स होता है, तो कोई भी एसेंशियल गुड्स अगर कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट बंद करेगा, सप्लाई बंद कर देगा, मेडिसिन भी हो, ठीक है, एसेंशियल जो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, राइस हो, जो भी एसेंशियल गुड्स है, ये अगर कोई भी कंट्री अगर इसका एक्सपोर्ट इनिशियली मतलब विदाउट नोटिस में अगर बंद कर देगा तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसा जो इम्पोर्टर कंट्री है वो उस टाइम में अगर बंद कर देगा, जैसे क्या है आपका बांग्लादेश, दुबई,
मलेशिया श्रीलंका, ये जो कंट्री है 80% डिपेंडेंट है हमारा इंडिया का ऑनियन का ऊपर। हमारा इंडिया से बहुत सारे एसेंशियल गुड्स जो इस कंट्रियों में जाता है जो उस कंट्री में अवेलेबल नहीं है, जब भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट अगर विदाउट नोटिस में अगर बंद कर देगा तो उसका मार्केट में इसका बहुत सारा शॉर्टेज आ जाएगा और डिमांड इतना ज़्यादा हो जाएगा, रेट भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि माल नहीं है जितना माल है। अगर माल आपका पास ज़्यादा नहीं है, आपका जितना चाहिए डिमांड का जितना डिमांड है उतना माल अगर आपका पास नहीं होगा तो आप तो रेट तो बहुत ही हाई हो जाएगा। तो उस टाइम में गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इसके लिए हमारा गवर्नमेंट विदाउट नोटिस में जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया, उसके लिए जो आपका जो दुबई है, जो श्रीलंका है, जो मलेशिया है, जो बांग्लादेश है, इन्होंने WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उधर में इन्होंने ये बोला जो ऐसा किया और जिसका वजह से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या बोला बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है जो शेख हसीना, जो बोला उन्होंने जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया विदाउट नोटिस में। ठीक है, उनको तो सबसे पहले अगर उनका जो अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ऑनियन का शॉर्टेज आ सकता है, अवेलेबल ऑनियन नहीं है, ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल इशू आता है, ठीक है, ऐसा बहुत सारा रीज़न हो सकता है जिस रीज़न का वजह से ऑनियन कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं, आपका पास नहीं है तो आप कहाँ से देगा। लेकिन उनका बात यह है जो उन्होंने बोल रहे हैं अगर आपको नहीं देना है तो आपको पहले हमको नोटिस देना है, ठीक है, हमको बोलना है जो हम अभी आपको नेक्स्ट इतना तारीख से हम आपको ऑनियन नहीं दे सकता है, आप कोई दूसरा कंट्री से आप सोर्सिंग करो। दूसरा कंट्री बहुत सारा है, जैसा जो वर्ल्ड में जो देखिए सिर्फ इंडिया सिर्फ ऑनियन सिर्फ इंडिया में ही ऑनियन नहीं है, और भी बहुत सारा कंट्री में ऑनियन है। जैसा आपको ऑनियन आपका आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऑनियन होता है, ठीक है, नंबर वन में आता है क्या चाइना आता है, ठीक है, उसके बाद नंबर टू में आता है क्या है आपका हमारा इंडिया आता है, नंबर थ्री में आता है इजिप्ट आता है, इजिप्ट इजिप्ट में भी बहुत सारा प्याज आपका हार्वेस्टिंग होता है, खेती होता है। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में अमेरिका चार नंबर में, तो अमेरिका चार नंबर में, एक नंबर में चाइना, दो नंबर में इंडिया। तो अगर इंडिया अगर ऑनियन नहीं दे सकता है तो जो इम्पोर्टर कंट्री है जो बांग्लादेश, दुबई, श्रीलंका, इन्होंने क्या करेगा, इन्होंने इजिप्ट से इम्पोर्ट करेगा, नहीं तो इन्होंने चाइना से इम्पोर्ट करेगा, और नहीं तो उन्होंने अफगानिस्तान, भी एक छोटा सा कंट्री है, इतना प्याज अफगानिस्तान में नहीं, वो बहुत इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी उधर से भी इम्पोर्ट कर सकता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कंट्री है, पाकिस्तान से भी ऑनियन इम्पोर्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो अफगानिस्तान ये बहुत ही छोटा कंट्री, उधर में इतना ज़्यादा प्याज नहीं है। जो मेन जो बड़ा कंट्री है वो है चाइना, हमारा इंडिया है, उसका इजिप्ट और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इंडिया बांग्लादेश में बैठ के यूएसए से आपका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आपका ऑनियन इम्पोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए ये जो एसेंशियल गुड्स है ये एक्चुअली जो भी कंट्री है जैसा चाइना, चाइना उनका आसपास में जितना कंट्री है, ठीक है, उनका नेबर कंट्री जो है उस कंट्री में उन्होंने प्याज एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसा यूएस जो है, यूएसए क्या करता है, यूएस यूनाइटेड ऑफ अमेरिका क्या करता है, उनके आसपास में जितना कंट्री है, ठीक है, जो लेटिन अमेरिका, जो आपका जो मैक्सिको है, ठीक है, आसपास में उनका जो कंट्री है, ठीक है, जो अमेरिका आसपास में, ठीक है, उस कंट्री में उन्होंने उनका प्याज एक्सपोर्ट करता है। तो क्या कर प्याज का एक आपका इसका एक लाइफ टाइम होता है, ठीक है, उस लाइफ टाइम के हिसाब से ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ये एक्सपोर्ट करने में ये थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए आसपास का कंट्री में ये एक्सपोर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा इंडिया से हम क्या करते हैं, हम जैसा बांग्लादेश में हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ईजी है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत सारे लैंड फोर्ट है, जिसकी वजह से हमको एक्सपोर्ट में बहुत ईजी हो जाता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश में, श्रीलंका में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम मलेशिया में करते हैं, हम दुबई में करते हैं, इसका जो मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ईजी है, तो इसके लिए हम ये बहुत ही कम टाइम में प्याज चले जाता है, तो हम बहुत ईजी से इस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो विदाउट मतलब विदाउट नोटिस में आप जो बंद किया, इसके लिए उन्होंने हमारे इंडियन गवर्नमेंट को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन जो मैनेजमेंट है, जो यूएसए और जापान है, इन्होंने मेन इनका जो मैनेजमेंट है इन्होंने पूछा है जो आप क्यों विदाउट नोटिस में आप लोग ऑनियन एक्सपोर्ट बंद किया, जिसके वजह से इस कंट्रियों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने पड़ा, तो आप इसका रीज़न हमको बताओ। तो अभी रीज़न हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने एग्जैक्टली कोई रीज़न नहीं बता पाया। उन्होंने हमारा जो EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हमारा जो एक्सपोर्ट का तो एक डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, जो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये एक्सपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट करता है, एक्सपोर्ट को डेवलप करना है, एक्सपोर्ट का कोई भी डिसीजन इस डिपार्टमेंट से होता है,
DGFT है, ठीक है, तो उन्होंने एग्जैक्ट इसका कोई रीजन नहीं दिखा पाया, तो जिसकी वजह से ये जो एक मीटिंग लास्ट मंथ में हुआ, अभी भी आगे जाके और भी मीटिंग होने वाला है, क्योंकि इसका जो एक रीजन तो दिखाना है क्यों आप लोग ऐसा किया, तो उसका बाद जाके इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आएगा। और तो मुझे लगता है आगे जाके इसका जो सोल्यूशन ऐसा आएगा, जो जो तो हो गया सो हो गया, तो आगे जाके अगर गवर्नमेंट कभी भी अगर एसेंशियल गुड्स से जो अगर एक्सपोर्ट बंद करेगा तो विदाउट नोटिस में नहीं कर सकते, और इसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा, वो भी 15 दिन 1 महीना, ठीक है, उसका पहले नोटिस देगा, उसके बाद गवर्नमेंट बोल देगा जो उतना तारीख से ऑनियन एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो भी बिजनेसमैन है, जो भी आदमी है जिनके पास ऑनियन स्टोर करके रखा है, जो किसान भाइयों ने ऑनियन स्टोर करके, उन्होंने उस हिसाब से काम करेगा, तो इसके लिए क्या है नुकसान होने का चांस नहीं रहेगा। लास्ट साल में जैसा इंस्टेंट सर्टेन ये इंस्टेंटली ऑफ कर दिया, तो बहुत सारा आदमी को, जैसा मेरा खुद भी 2 गाड़ी प्याज उस टाइम में बॉर्डर में था और मेरा भी बहुत ही नुकसान आया, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा बंदाओं को ये प्रॉब्लम फेस किया, तो इस अभी आगे जाके ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा जैसा इसका कुछ रूल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बात आ रहा है, ये सब बात लेके एक्चुअली ये अभी जो आर्टिकल है, जो न्यूज़ है, जैसा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारा भाइयों ने कल देखा, मैं पोस्ट किया था, तो एग्जैक्टली मैं इसके बारे में मैं कल नहीं बताया, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के मैं पूरा समझा दूंगा क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये और इसमें क्या लिखा है, तो ये चीज़ इसमें लिखा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो बात लिखा है, देखिए उसके बाद दूसरा बात आया आपका, जो हमारा लास्ट साल में, मतलब लास्ट साल में हमारा इंडिया में जो टोटल हमारा इंडिया से जो ऑनियन एक्सपोर्ट हुआ, जैसा हमारा इंडिया से आपका इस साल से 15% ज़्यादा लास्ट साल में हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, जो हमारा इंडिया में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब इस लास्ट साल में हमारा इंडिया जो ऑनियन एक्सपोर्ट करके जो रेवेन्यू जनरेट किया, जो पैसा हमारा मतलब दूसरा कंट्री से आया हमारा इंडिया में जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आया, वो आया था आपका जैसा आपका टोटल 378 मिलियन, ठीक है, 378 मिलियन डॉलर का टोटल प्याज हमारा इंडिया में लास्ट साल में हमारा इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। इसमें आपको बांग्लादेश में कितना हुआ, 101 मिलियन डॉलर का प्याज हम इंडिया से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया, 101 मिलियन डॉलर, ठीक है, ये इंडियन करेंसी नहीं, ये डॉलर है, 101 मिलियन डॉलर का हम बांग्लादेश में ऑनियन एक्सपोर्ट किया। उसके बाद मलेशिया में कितना किया, 62 मिलियन का ऑनियन हम मलेशिया में एक्सपोर्ट किया इंडिया से। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात जो दुबई है, दुबई में हम 44 मिलियन डॉलर का ऑनियन एक्सपोर्ट किया हम दुबई में। उसके बाद हम श्रीलंका में किया था, 42 मिलियन डॉलर का हम ऑनियन एक्सपोर्ट किया आपका श्रीलंका में। तो ये जो परसेंटेज है ये लास्ट साल में किया था, उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑनियन एक्सपोर्ट का बंद कर दिया, उसके बाद से इस साल में हमारा कितना 50% मतलब कम हो गया, 50% कम, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया जब भी ऑनियन एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो ये सब इशू आ रहा है जिसका वजह से प्याज में बहुत सारा प्रॉब्लम आया बहुत सारा, तो इशू लेके ही एक्चुअली बात चल रहा है, जो इशू है आगे जाके मतलब कोई भी कंट्री, तो अभी बांग्लादेश के साथ भी अभी हमारा जो गवर्नमेंट जब भी अभी एक्सपोर्ट फिर स्टार्ट किया, उस टाइम में बांग्लादेश गवर्नमेंट का साथ हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो डील हुआ, उन्होंने बोला जो विदाउट नोटिस में हम नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, आप लोग जब तक आप लोग इंपोर्ट करते रहोगे और हम जितना टाइम दे सकता है उतना टाइम हम देगा, अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम आएगा इंटरनल कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको सबसे पहले हम आपको नोटिस दे के बता दूंगा जो ये प्रॉब्लम हमारा चल रहा है और क्या प्रॉब्लम वो भी हम आपको बता देगा, उसका बाद उस हिसाब से हम आपको बोलेगा आप दूसरा कंट्री से आप इंपोर्ट करो, ठीक है, हम आपको नहीं दे पाया तो आप उस टाइम में जो कंट्री वो भी दूसरा कोई डिसीजन लेगा, और हमारा भी हमारा जो इनसाइड में हमारा जो व्यापारी भाई हमारा जो जो बिजनेसमैन है ऑनियन रिलेटेड सब कहीं भी पता चल जाएगा, ठीक है, और उसका टाइम भी मिलेगा 15 दिन 1 महीना कुछ ना कुछ तो टाइम मिल जाएगा। तो ये तो ऐसा अगर चलेगा तो आगे जाके इस साल में भी प्याज में थोड़ा सा अच्छा अगर डिमांड हो सकता है और आगे जाके अच्छा रेट मिलने का चांस बहुत है। मुझे लगता है ऐसा अगर कुछ सिस्टम रूल्स ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, अगर जब भी ऐसा सिस्टम हो जाएगा ऐसा कुछ रूल्स आ जाएगा तब जाके सबके लिए अच्छा होगा और आगे जाके रेट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका ये जो आर्टिकल है, ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके इस आर्टिकल भी एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपका ये आर्टिकल इंग्लिश में है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा।
तो और ओवरऑल मार्केट का तो ये सिचुएशन है, आप लोग तो जानता है, मार्केट थोड़ा सा अभी नरमी जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी भाइयों ने मुझे पूछ रहा है जो सर अभी आगे जाके क्या हो सकता है। और मेनली और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो काफ़ी भाइयों ने मुझे कॉल करता है, सर हम अभी प्याज खरीद करके स्टोर करेगा क्या नहीं करेगा, आगे जाके रेट बढ़ेगा। तो अगर आपको स्टोर करना है, अगर आपका पास अपना प्याज नहीं है, जिनका पास अपना प्याज है, जिनका खुद अपना प्याज है, उन्होंने उनका प्याज को स्टोर करके आगे जाके सेल कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनका पास अपना प्याज है, आपका खेत का प्याज है, तो उन्होंने स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जिन भाइयों ने अभी चाहता है जो बिजनेस के लिए स्टोर करना है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा जो आप लोग अभी मत करिए, क्योंकि अभी जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव का बहुत सारा साइन हमको देखने के लिए मिल रहा है, और उसके बाद लॉकडाउन भी चल रहा है, और आपका कोरोना वायरस का भी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, जो हमारे इंपोर्टर कंट्री में, उस कंट्री में भी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस टाइम में आप लोग अगर बिजनेस का पर्पस में आप दूसरा से किसी से प्याज खरीद करके आपको स्टोर करना है, तो अभी इस बिजनेस में मत करिए आप अगर आपका पास प्याज है, आपका पास आपका घर का प्याज है, आपको खेत का प्याज है, तो अब उस प्याज को आप स्टोर करके रखिए, ठीक है, अच्छा से रखिए, और आगे जाके आपको और भी 2 महीने आपको टाइम मिलेगा। इस 2 महीने का अंदर जब भी आपको अच्छा रेट मिलेगा, तब आपको प्याज को आप सेल कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्याज है, तो आप धीरे धीरे अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता है 2-4 दिन का बाद शायद हो सकता है थोड़ा अच्छा रेट मिल सकता है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं, शायद हो सकता है 2-4 रुपया ज़्यादा रेट मिल सकता है, क्योंकि अभी ईद आने वाला है टाइम में। तो हर साल में जो ईद का टाइम है, आप लास्ट कुछ साल का अगर आप जो ग्राफ है वो अगर चेक करोगे, तो हर साल में जो बकरीद होता है, जो इस टाइम में थोड़ा सा अच्छा डिमांड मिलता है प्याज में, जैसा प्याज में मिलता है, अदरक में मिलता है, जैसा जिंजर में भी मिलता है, तो इस कुछ चीज़ में जो कुछ प्रोडक्ट होता है, जैसा गार्लिक है, गार्लिक में भी अच्छा डिमांड मिलता है इस टाइम में, तो इस कुछ प्रोडक्ट के स्पेशली इसमें थोड़ा सा अच्छा डिमांड मिलता है। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट लेके आप काम करते हैं, तो इस टाइम में आपको थोड़ा सा अच्छा डिमांड मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, लेकिन अभी तो ओवरऑल जो सिचुएशन है उससे इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शायद हो सकता है 2-4 रुपया ज़्यादा रेट मिल सकता है, तो आप उस हिसाब से अंदाज लगा सकता है। और इस साल में ओवरऑल अगर आपको अगर 30-35 रुपीज़ तक अगर प्याज का रेट मिल जाएगा, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस साल में ओवरऑल सिचुएशन का हिसाब से मुझे नहीं लगता है आपका 30 रुपीज़ से ज़्यादा इस साल में रेट मिल सकता है। तो अगर मिलेगा तो आगे जाके लास्ट 2 महीना में, अगला 2 महीना में, क्योंकि आपका अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक आपका जो आपका बेंगलोर का जो रोज प्याज है वो भी आ जाएगा मार्केट में, ठीक है, अक्टूबर में आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपका आ जाएगा आपका नासिक का प्याज भी आ जाएगा, जो नासिक का जो प्याज है, जो न्यू क्रॉप है, वो भी आ जाएगा। तो आपके लिए अभी 2 महीने टाइम है, इस 2 महीने में आप आपका पास प्याज है तो धीरे धीरे बेचते रहिए, क्योंकि जब भी नया क्रॉप आ जाएगा तो ये जो स्टोर का प्याज है, जो पुराना प्याज है, उसका रेट बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नया प्याज जब आता है, नया प्याज का डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो आप लोग भी उस हिसाब से काम करिए, और आगे जाके मेरे पास कोई भी जानकारी आएगा तो मार्केट के बारे में मैं कोशिश करूंगा आपको देने के लिए। तो आज इतना ही, बहुत ही जल्दी दोबारा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।